बोट ने भी रिसेंटली दो नेकबैंड लॉन्च करे, एक है बोट 333 प्रो और एक है 330 प्रो। तो एक ही माँ के जन्म में दो लाल, राम और लखन, देखते हैं दोनों कैसे डिवाइस है, जानेंगे वीडियो में आगे। पर रिक्वेस्ट करूंगा नीचे एक लाल का बटन दिख रहा है उसको जरूर से दबा देना, ताकि जो हमारी मोहब्बत है ना आगे भी इस तरह से बनी रहे। तो फटाफट से डब्बे में नजर डालें, तो डब्बे दोनों के सेम आपको देखने को मिलते हैं। फ्रंट में उनका फोटो लगा हुआ, साइड में हाईलाइट दे रखी है। कंटेंट की बात करें तो एक मैनुअल मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा एक साल का, एक्स्ट्रा सिलिकॉन की एयर टेस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं और एक टाइप सी चार्जिंग केबल तुम्हें मिल जाती है। बात करें मेन डिवाइस की, जो दोनों ही डिवाइसेस जो है काफी आइडेंटिकल दिखते हैं, मतलब सेम टू सेम ही है, बस एक छोटा सा फर्क है कि इसकी जो केबल है वो आपको ब्रेडेड देखने को मिलती है, जो कि ड्यूरेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर हो जाती है एक नॉर्मल केबल के हिसाब से। बाकी बात करें तो वही मेटल बॉडी है, दोनों में आपको मेटल हेड्स देखने को मिलते हैं, एक बीच में आपको प्लास्टिक हेड देखने को मिलेगा जहां से आप जो इसकी वॉल्यूम वगैरह को कंट्रोल वगैरह कर पाएंगे। बाकी वही जो हेड्स है वो काफी एडजस्टेबल है, मतलब बिल्कुल तुम इसको मोड़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कैसे भी फोल्ड वगैरह करके यूज करोगे, अच्छी चीज लगती है। इन्होंने सिलिकॉन यहाँ पर यूज करा हुआ है। अगर ईयर टिप्स की बात करें तो मेटल के तुम्हें यहाँ पे मिलते हैं दोनों में ही, और इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट्स यहाँ पे जो है दे रखे हैं इन्होंने। इसमें हुक प्रोवाइड कर रखा है एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए दोनों ही नेकबैंड में, अगर आप चाहते हो कि आपको निकालना है तो तुम इसको इजीली जो है निकाल भी सकते हो। तो दोनों ही डिवाइसेज जो रेगुलर नेकबैंड डिजाइन में आपको मिलते हैं। बाकी बात करूं इसके की स्पेक्स को लेकर, तो यहाँ पर तुम्हें ब्लूटूथ 5.2 देखने को मिलता है, दोनों ही नेकबैंड में ब्लूटूथ 5.2 का यूज करा है, और कनेक्टिविटी के मामले में ऐसा कोई भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, काफी अच्छी तरीके से सिमलेस ये जो है वर्क करते हैं। और अच्छी बात ये कि इन दोनों ही डिवाइसेस में तुम्हें डुअल पेयरिंग अवेलेबल है, तो अगर तुम दो डिवाइसेस साथ में कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि लैपटॉप भी कनेक्ट करना है, तुम्हें अपना फोन भी कनेक्ट करना है, तो हम इजीली जो है कनेक्ट कर पाओगे। बाकी बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर बात करो तो यहाँ पे 150 mAh की बैटरी लगी है, वो भी दो, यानी कि टोटल 300 mAh की बैटरी लगी है। तो कहीं ना कहीं आपको जो परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग और ज्यादा देखने को मिलता है। 60 hours इनका जो है क्लेम, यानी कि 60 घंटे तक आप कंटिन्यूसली जो है म्यूजिक दोनों ही नेकबैंड में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट एट 60% ऑफ वॉल्यूम, यानी कि 60% ऑफ वॉल्यूम पे तुम सुन रहे हो तो तुम दोनों डिवाइसेस 60 hours का प्ले परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक घंटे में कंप्लीटली चार्ज हो जाते हैं, बट इसमें इन्होंने एसेप टेक्नोलॉजी का यूज किया है टाइप सी पोर्ट के साथ में, तो यहां पर 10 मिनट के चार्ज में आपको 20 घंटे का प्ले परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं। अगर तुम्हें कहीं फटाफट जाना है तो 10 मिनट के लिए चार्जिंग पर लगा और 20 घंटे तक तुम कंटिन्यूसली जो है म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो, और 10 वॉट का मैक्सिमम यहां पर चार्जर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। बाकी बात करूं यहां पर IPX रेटिंग को लेकर, तो IPX5 रेटेड है दोनों ही डिवाइसेस, तो अगर तुम जिमिंग वगैरह के टाइम पे पहन रहे हो, रनिंग के टाइम पे पहन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम इसको पहन के यूज कर सकते हो। स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है ये। बड़ा बात है, सबसे बड़ा सवाल यानी कि साउंड क्वालिटी को लेकर, कैसी परफॉर्मेंस आपको ये डिवाइस देगा। तो यहाँ पे 10 mm के ड्राइवर्स यूज करें दोनों ही नेकबैंड में, और साउंड क्वालिटी में काफी सिमिलर परफॉर्मेंस आपको मिलता है। जो क्वालिटी है वो काफी ब्रीसफुल है। अगर आप ट्रेबल्स की बात करें तो हाईज लोज मिड सभी आपको काफी सही मिल जाता है। यहाँ पे बेस भी जो आपको पंची और हैवी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड रहता है, तो वो आपको इसमें सही साइड मिल जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो लाउडनेस है वो काफी ऑप्टिमाइज है, 100% ऑफ वॉल्यूम में भी तुम सुन रहे हो, डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं आता, तो वो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस जो है और भी बेहतर कर देता है। तो साउंड क्वालिटी की मानो तो दोनों डिवाइसेज काफी टॉप नॉच आपको मिल जाते हैं, बट कॉल क्वालिटी की बात करें तो दोनों डिवाइसेज डिसेंट है कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस के मामले में। अगर कैजुअल कॉलिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, आउटडोर में जहां पे रश है, जहां पे बहुत सारा साउंड है, तो फिर वहां तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। तो यहां पे मैंने टेस्ट किया आप लोगों के लिए कंफर्मेशन के लिए, तो उसके ऊपर नजर डाल लो। तो गाइस जो ऑडियो सुन रहे हैं वो रॉकर्स 330 प्रो के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि जब भी इन नेकबैंड का तुम यूज कर रहे हो कॉलिंग वगैरह के टाइम पे या गेम वगैरह के टाइम पे, तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस जो है ये देते हैं। तो अगर अब जो आवाज सुन रहे हो वो रॉकर्स 333 प्रो से रिकॉर्ड हो रहे, ताकि तुम्हें अंदाजा लग जाए कि इन नेकबैंड का अगर तुम यूज करोगे इसके माइक्रोफोन जो है वो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। अब इंटरेस्टिंगली ब्रांड ने यहाँ पे ना दोनों ही डिवाइसेस में बीस्ट मोड प्रोवाइड कर रखा है, जो कि काफी ज्यादा डिमांड होगी, मतलब गेमिंग आजकल हर कोई करना पसंद करता है, तो मोबाइल में कैजुअल गेमिंग कर रहे हो या बहुत इंटेंस गेमिंग भी कर रहे हो, तो यहाँ पे लो लेटेंसी परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने बीस्ट मोड प्रोवाइड कर रखा है, और जो परफॉर्मेंस है आई वुड से काफी सही मिल जाती है। अगर तुम गेमिंग वगैरह कर रहे हो डेफिनेटली इस डिवाइस को पहन के गेमिंग वगैरह कर सकते हो। थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये लगा कि क्लैरिटी और बेहतर हो सकती थी गेमिंग के हिसाब से, यानी कि जो आसपास की सराउंडिंग है वो आपको काफी प्रॉपर और टाइम से सुनाई दे, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है बेहतर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुझे इश्यू यहाँ पे लगा। बाकी लेटेंसी वगैरह ऐसे नहीं है, और मैंने यहाँ पे टेस्ट भी किया है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप जानते हैं कि डिवाइस से बटन प्रोवाइड कर रहा है, अगर फंक्शंस की मैं बात करूं तो दोनों ही डिवाइस में सेम टू सेम फंक्शन तुम्हें मिलते हैं यहाँ पे। बीच में एक मल्टी फंक्शन बटन है जिसको सिंगल प्रेस करके तुम्हारा म्यूजिक जो पॉज हो जाएगा, सिंगल प्रेस करोगे तो तुम्हारा म्यूजिक जो वापस से प्ले हो जाएगा। ट्रैक्स वगैरह चेंज करना है तो प्लस वाला बटन को तुम दबाओगे तो तुम्हारा ट्रैक जो है फॉरवर्ड हो जाएगा। बैकवर्ड करने के लिए तुम्हें यहाँ पे माइनस वाले बटन को प्रेस करके होल्ड करना होगा तो तुम्हारा ट्रैक जो है बैकवर्ड हो जाएगा। वॉल्यूम कंट्रोल करना है तो प्लस वाले बटन को सिंगल प्रेस करते जाओगे तुम्हारी वॉल्यूम बढ़ने लगेगी, माइनस से तुम्हारी जो है वॉल्यूम यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। अब इस डिवाइस में आपको रीडायल वाला फंक्शन भी प्रोवाइड कर रखा है, उसके लिए करना होगा बीच वाले यानी कि मल्टीफंक्शन बटन को दो बार दबाना होगा तो तुम्हारा जो भी लास्ट कॉल है ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे रीडायल हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है बीस्ट मोड प्रोवाइड कर रखा है, उसमें तुम्हें मूव करना है तो उसके लिए तुम्हें तीन बार जो है मल्टीफंक्शन बटन को दबाना होगा, 1 2 3, तो तुम्हें बीस्ट मोड यानी कि लो लेटेंसी मोड में स्विच हो जाओगे। बाकी अगर असिस्टेंट वगैरह को वेक करना है तो प्रेस करके होल्ड करो बीच वाले बटन को तो तुम्हारा जो भी असिस्टेंट है गूगल बिक्सबी सीरी ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे वेक हो जाएगा। बाकी कॉल वगैरह आना तो सिंगल प्रेस पर तुम्हारा कॉल पिक हो जाएगा, सिंगल प्रेस पर तुम्हारा कॉल जो यहाँ पे कट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के तुम्हें यहाँ पे जो है फंक्शंस देखने को मिलते हैं। अब अगर फाइनली देखो मैं डिवाइस को कंक्लूड करूँ यानी कि दोनों ही डिवाइसेज जो है सेम टू सेम ही डिवाइस, और माइनस और डिफरेंस जैसा कि मैं आपको बताया कि इसके जो केबल्स हैं वो आपको ब्रेड देखने को मिलती है, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में कहीं ना कहीं ये आपको बेहतर देखने को मिलती है। तो दोनों ही डिवाइसेज को चेकआउट कर सकते हैं, डिवाइसेज काफी अच्छे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बस ज्यादा तो यही कहूंगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक जरूर कर देना और प्यारा वाला कमेंट जरूर कर देना, खुशी मिलती है जब भी कमेंट आते हैं। इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो कर लेना क्योंकि हम लोग काफी चीजें वहां पे अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा दो डी एक्सपर्टों के साथ। We'll be right back.